डर लग रहा है तो मेरी बात से 5 मिनट के लिए बहुत आराम से सुनना, फील करना। अब से कुछ ही देर के बाद तुम अपनी लाइफ का सबसे इजी पेपर लिखने जा रहे हो, तुम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो और इस एग्जामिनेशन में तुम फोड़ करके सबसे इजी एग्जाम क्या बोल रहे हो सर, मेरा तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने तो ये बुक भी नहीं लगाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं देखे, मैंने तो अभी पीवाईक्यूज भी नहीं लगाए, मॉक टेस्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करी है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज भी नहीं करा है, मेरे दोस्त ने तो ये किताब भी लगा ली, मेरे दोस्त ने मॉक टेस्ट भी कर लिया, मेरे दोस्त ने तो इतना पढ़ रखा है, कहाँ से आसान है, मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, मैं कैसे आसान पेपर कर सकता हूँ। बस 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 शांत हो जाओ। देखो जो टॉपर्स भी होते हैं ना, वो भी अपना पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाते, कितना भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो अधूरा रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात तुम्हें पता है, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कम पढ़ करके भी एग्जाम में फोड़ करके आते हैं ना, वो लेजेंड कहलाते हैं, और तुम लेजेंड हो, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और ये जितनी भी सारी चीजें तुम कर रहे हो ना, ये जितना भी पेपर तुम लिखने जा रहे हो, ये सब कुछ करने जा रहे हो, पेपर में अच्छे मार्क्स लेने जा रहे हो, ये तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम किसी को दबाना चाहते हो, तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें लाइफ में कभी कोई दबा ना पाए। और माना माना कि मन में बहुत सारी एंजाइटी होगी, बहुत सारा डर लग रहा होगा, और हमने ये भी मान लिया कि हमारी हार निश्चित है, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रख लेना कि हार भले ही क्यों ना निश्चित हो, हार हमें साफ साफ क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मेरे दोस्त फैसला तो रिजल्ट आने के बाद ही होता है, और अक्सर वही लोग जीत जाया करते हैं जो लोग हार को हमेशा टालते रहते हैं। और यही माइंडसेट लेकर के हमें पेपर में जाना है। तुमसे बहुत सारी चीजें बनती हैं, तुमने बहुत हार्डवर्क किया है, तुमसे बहुत कुछ पढ़ा गया है, और तुमने बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखी हैं, बस वो निगेटिविटी जो लोग तुम्हारे सामने लेकर के आ रहे हैं, जो दूसरे बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं तुमने इतनी मेहनत करी है लेकिन क्या ही कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, इतना कॉम्पिटिशन है, ये सारी चीजें तुम उन सभी लोगों को आज इस पेपर में गलत साबित करने जा रहे हो। तुम्हारा रिजल्ट उन लोगों को बताएगा कि तुमने कितनी मेहनत करी है। और हमेशा कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता हल्ला मचा दे, और तुम्हारा हल्ला मचने वाला है क्योंकि तुम सफल होने वाले हो, बस ये बिलीव तुम्हें अपने मन में रखना है। अपने अंदर की जो हनुमान जी वाली शक्तियां हैं जो तुम भूल जाते हो, हनुमान जी भी भूल जाते थे, तुम भी अगर भूल जा रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितना कैलिबर है, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को याद करने की जरूरत है। और जब भी कभी एग्जामिनेशन में जाओ तो ये सोच करके जाना कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है, जितनी मेहनत करी है, वो पूरी मेहनत का फल आज मैं इस पेपर में लिखने वाला हूं। जितना भी टाइम तुम्हें मिलेगा, एग्जामिनर जब तक तुम्हारा पेपर छीनने ना लग जाए, जब तक तुम्हारी मार्कशीट छीनने ना लग जाए, तब तक तुम्हें मेहनत करते हुए जाना है। और जब भी कभी तुम्हें इस बात का डर लगे ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जब कभी तुम्हें लगे ना बहुत कंपटीशन है और मैं इस कंपटीशन के लिए नहीं बना हूं, तो हमेशा ये वाली बात याद रखना कि तुम ही बने हो, तुमसे ही हो पाएगा। अपनी आंखें बंद करना और इमेजिन करना अपने मम्मी पापा को, उनके फेस पे जो स्माइल आएगी तुम्हारा रिजल्ट देखने के बाद, उसको इमेजिन करना। वो जब मोहल्ले में छाती चौड़ी करके चलेंगे, उस बात को इमेजिन करना। इमेजिन करना कि रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहला कॉल तुम किसको करने वाले हो, और तुम बताने वाले हो कि यस इट वॉज टफ बट आई मेड इट। तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन अपने आप जागेगा और तुम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम दोगे और अपनी लाइफ में सबसे ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तो डरने का नहीं, सिर्फ फोड़ने का। और कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हम हैं ऐसे। हमें तो यह भी पता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे आकर के पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। हम इस लेवल पे जाएंगे कि ऊपर वाले को भी मजबूर कर देंगे कि वो आकर के हमसे पूछेगा हमारी मर्जी क्या है, और हमारी मर्जी के ही साथ हमारी चीजें चलेंगी, और हमारी मर्जी के मुताबिक ही हमारी लाइफ चलेगी। तो अब अगर अपनी लाइफ जीनी है तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिएंगे, इस लेवल पे मेहनत करके रिजल्ट लेकर के आएंगे। तोड़ना फोड़ना और लिख करके आना दैट यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स,
ऑल द वेरी बेस्ट।